प्रारंभ करने की बात है। संघ कार्य के बारे में जब उनको काम चालू करना था तो मैं उसकी थोड़ी सी पार्श्वभूमि आपको बता देता हूं कि वो कार्य भी ऐसा था जैसे शिवाजी महाराज का स्वराज्य। उन्होंने तय किया कि हमको संघ चालू करना है, तो विजयादशमी के दिन 1925 में उन्होंने कुल 17 लोगों के साथ, मतलब डॉक्टर साहब को छोड़कर 16 लोग थे, कुल 17 लोग बैठक में थे, उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के संस्था की स्थापना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस समय नाम नहीं था, केवल क्या चालू किया है, तो स्वयंसेवक संघ चालू किया, बस इतनी बात। हम आज क्या कर रहे हैं, हम स्वयंसेवक संघ चालू कर। ये स्वयंसेवक संघ में क्या होगा, तो लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण कैसा होगा, दो भाग होंगे। एक तो होगा पॉलिटिकल एजुकेशन दिया जाएगा और दूसरा था मिलिट्री एजुकेशन दिया जाएगा। अब ये जो पॉलिटिकल एजुकेशन है इसका नाम बाद में संघ में बौद्धिक वर्ग हो गया और मिलिट्री एजुकेशन का नाम बाद में शारीरिक शिक्षा हो गया। तो इतनी बात तय थी, काम चालू किया। अब काम चालू किया तो डॉक्टर साहब का ऐसा व्यक्तित्व था कि वो कहते थे कि व्यर्थ में काम नहीं करना चाहिए, काम का परिणाम होना चाहिए, काम का परिणाम दिखना चाहिए, और हमारे पास यदि इतनी बड़ी शक्ति है तो उस शक्ति से हमको कुछ करके दिखाना चाहिए। तो इनके मन में विचार आया कि हम अनुशासन की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, हमारा जो स्वयंसेवक है वो नागपुर के पारंपरिक वॉलंटियर जैसा नहीं, वो आत्मानुशासन से बंधा हुआ है। तो हमने जो कुछ भी सोचा है वैसा क्या वास्तव में हम करने की स्थिति में है। और ये जब करने की बात आई तो उनके मन में एक विचार आया कि नागपुर के पास रामटेक नाम का एक स्थान, यहाँ पर रामनवमी के दिन एक बहुत बड़ा मेला, मराठी में उसकी यात्रा होती है। बोले ठीक है, चलते हैं हम लोग रामटेक जाएंगे और रामटेक के मेले की व्यवस्था हम संभाले, तो उससे हमारे आत्मपरीक्षण हो जाएगा कि हम इस योग्य बने भी है कि नहीं बने। तो फिर ये प्रश्न आया कि जब वहां पर जाएंगे और हम व्यवस्था संभालेंगे तो लोग पूछेंगे कि ये कौन से संस्था के लोग, तो ये पूछेंगे कि भाई ये कौन से संस्था के लोग, तो हमारे संस्था का कुछ तो भी नाम होना चाहिए। तो वर्ष प्रतिपदा के दिन पिछले साल 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना, अगले साल वर्ष प्रतिपदा के दिन उन्होंने एक बैठक, उस बैठक में 26 लोग उपस्थित थे। उस बैठक का वृत्त जिसको इंग्लिश में हम मिनट्स बोलते हैं वो उपलब्ध है। एक सज्जन को उस समय उस बैठक के लिए सेक्रेटरी बनाया गया था और उन्होंने उसका संचालन किया। संघ का नाम क्या होना चाहिए तो डॉक्टर हेडगेवार स्वतंत्रवीर सावरकर के साथ पहले ही तय कर चुके थे, लेकिन डॉक्टर साहब की आदत थी कि वो खुद कोई बात नहीं बोलते थे, लोगों को बोलते थे, लोगों में से कोई बात आ जाए। तो नाम क्या होना चाहिए, ऐसा भी 4-6 लोगों को बिठाया, कोर कमेटी हम बोलते हैं, ऐसी कोर कमेटी बैठी और उस कोर कमेटी ने 3 नाम तय किए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतोद्धारक मंडल और जरीपटका मंडल। जरीपटका क्या है, जो मराठा साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य में 2 ध्वज होते थे, भगवा ध्वज और जरीपटका नाम का ध्वज। तो यह बोला जाता था कि जो भगवा ध्वज है यह वैराग्य का प्रतीक है और जरीपटका जो है वो समृद्धि का। तो ये जरीपटका मंडल, ऐसे 3 नाम उन्होंने तय किए और डॉक्टर साहब ने जो बैठक बुलाई उस बैठक में वो 3 नाम विचार के लिए रखे। अब जो लोग डॉक्टर हेडगेवार को अधिनायक वाली बोलते हैं, तानाशाह बोलते हैं, उनको समझना चाहिए कि इस विषय पर वहां पर बहुत अच्छे से वाद विवाद बहस, और लोगों ने बोला कि नहीं हमको ये मंजूर नहीं। तो बोले फिर क्या करना, जब मतभेद हो गए तो मतभेद का एक प्रजातांत्रिक तरीका है कि मतदान हो और जिस विषय को ज्यादा मत मिले वो नाम निश्चित हो जाए। तो 26 लोगों में से किसी एक को कोई जरूरी काम आ गया तो उसने अध्यक्ष से अनुमति मांगी और वो निकल गया, बचे 25। अब इन 25 लोगों ने 20 लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस नाम की मान्यता दी और 5 लोगों ने जरीपटका मंडल की अपनी
ने अपनी स्वीकृति दी। भारत और भारत मंडल के लिए किसी ने भी कोई मत नहीं दिया और मतदान से ये नाम तय हो गया। अब देखिए दो बातें हुई, संस्था स्थापित हुई, उसके लगभग 6 महीने बाद संस्था का नामकरण। अप्रैल की बात है, अप्रैल 1926 में 17 अप्रैल मेरा था, 17 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैठक में नाम तय। लेकिन संघ में प्रमुख कोई नहीं था, फिर अधिनायकवाद तानाशाह की बात करने वाला व्यक्ति जिसने संघ की स्थापना की, उस संघ का कोई प्रमुख नहीं था, संघ चल रहा था। ठीक वैसा जैसे शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापन किया, लेकिन राजा कोई नहीं। ये बोला जाता था ये राज्य किसका है, तो बोले श्री का राज्य, ये राज्य भवे है तो श्री की इच्छा होती है, श्री की इच्छा थी इसलिए राज्य बना है, इसलिए राजा श्री है, भगवान है, राजा की आवश्यकता है। तो फिर समर्थ रामदास स्वामी ने छत्रपति महाराज को आदेश दिया था, तख्ती बैसा, तखत पर बैठो, सिंहासन पर बैठो, राजा बनो, क्योंकि बगैर राजा के राज्य नहीं होता। वैसे ये बोला गया कि बगैर प्रभु के कोई संगठन कैसे चल सकता। तो दिसंबर 1926 में डॉक्टर हेडगेवार को संघ का प्रमुख नियुक्त किया, वो भी संघ के जो बाकी लोग थे वो अलग से बैठे कमरे में, डॉक्टर साहब के जानकारी के बगैर ये सब बात हुई। और अप्पा जी जोशी को बोला गया कि भाई ये डॉक्टर साहब को बताने का काम कौन करेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब शुरू के समय में बहुत गुस्से में थे, डॉक्टर साहब के सामने कोई बात कहने का साहस रखता है, शुरू में अड़चन जाती थी, बाद में ऐसी स्थिति नहीं। तो अप्पा जी जोशी बाहर निकले, डॉक्टर साहब बाहर खड़े थे, तो उन्हें बोला कि भाई आपको सरसंघ चालक नियुक्त किया गया है और मैं आपको सरसंघ चालक के रूप में पहला प्रणाम करता हूं। इस तरह से इस संघ की स्थापना हुई। मेरे को जो समय दिया गया था वो समय समाप्त हो गया है, अब इस विषय पर मैं अपनी बात आगे रखूंगा।